याद है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेतों में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरत हो। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे, दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनकी राजनीति एक परिवार से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में आम लोगों को ये कहा कि पहले मतदान और फिर करो जलपान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज लोकतंत्र के प्रति जनता के अटूट विश्वास का दिन है। मतदान का लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी अहमियत है। मतदान के जरिए लोग छत्तीसगढ़ में विकास के लिए एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग लोकतंत्र के महत्व को बखूबी समझ चुके हैं। उन्होंने लोगों को एक मंत्र दिया कि पहले मतदान और फिर जलपान। मोदी ने आगे कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनकी राजनीति एक परिवार से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां तो सब कुछ परिवार के लिए ही है। वो तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपया घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है। जो उनके पिताजी कह के गए थे उनको बाहर निकालने का काम किया है। भाइयों बहनों, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनको भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम करने का तरीका आता नहीं है, ऐसे लोगों से देश ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है। मोदी ने कहा, भाजपा गरीबों पिछड़ों के लिए राजनीति करती है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के कमजोर वर्गों
को आगे लाना और उनका आर्थिक विकास करना है। कांग्रेस के लोग इस विकास की चर्चा नहीं करेंगे। जो माँ बेटे रुपयों की हेराफेरी में जमानत पर घूम रहे हैं वो औरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, नोटबंदी पर जवाब मांगते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं ऐसे लोगों से देश ज्यादा अपेक्षा नहीं करता। उन्होंने कहा राज्य में नक्सलवाद की जो समस्या है वह तेजी से के साथ खत्म हो रही है। भाजपा सरकार की राज्य में नक्सलवाद का खात्मा कर सकती है। लोग इस पर चिंतन करें और अपने राज्य के सुखद भविष्य के लिए सच्ची सरकार चुनें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।